डुगर रतन कार्यक्रम च दोस्तों तुंदा सभने दा स्वागत है। तुस दिखा कर दे दैनिक स्टेट समाचार ते आऊं आ प्रवीण शर्मा। दोस्तों जियां तुस दिखदे हो कि अस डुगर रतन कार्यक्रम दे माध्यम कन्ने जम्मू दे उने कलाकारें गी जेहड़े भिन्न भिन्न कलाएं कन्ने अपने आप गी संबंधित रखदे ने उन्हें गी इस स्टूडियो च बुलाइए ते उंदे बारे च जानकारी जां उंदियां जिहड़ी कला उन्हें कीती दियां अपनियां कोई गायकी दे विच कोई लेखन दे विच कोई एक्टिंग दे विच जिहड़े भी जिस भी कला दे विच अपना नाम कमाए दा हुंदा उंदा उह है जिहड़ा अस दिखने आ भई एक्सपीरियंस तुहाडे तक पहुंचाने दा प्रयास करने आ। संत कहेंगे संत लिखेंगे संत चलेंगे। अज दा अंक खास करिए अज मुबारक दिहाड़ा है। पहले सभने की जय माता दी। नवरात्रे शुरू होइए और नवरात्रे दे इस पवित्र ध्याड़े दे उपर साढ़े कन्ने अज जिहड़े असें परौहणे गी साद्दा दित्ते दे हुण रमेश चंद्र होर। रमेश जी तुंदा मता मता स्वागत है। इस साढ़े रेडियो दे एक बड़े अच्छे मंझे दे कलाकार न। रेडियो दूरदर्शन पर बी हाई ग्रेड दे विच इन्हें गायकी दा जिहड़ा ओह स्थान हासिल कीता दा और एम ए म्यूजिक दी कीती दी है और अज एक शिक्षक दे तौर पर म्यूजिक शिक्षक दे तौर पर ये आर्मी स्कूल नगरोटा दे विच कार्यरत न। ते रमेश जी मातराणी दी असीम कृपा अज किन्ना सोहना दिहाड़ा नवरात्रे दा और नवरात्रे च खास करिए तुस रामलीला कन्ने भी जुड़े दे रहे। बड़े चिर तुसें राम दा रोल भी कीता अभिनय कीता और गायकी दे राए माता दा गुणगान भी कीता। तो अज नवरात्रे दिहाड़े पर क्यों नहीं शुरुआत करचै कोई सोहनी जी माता दी भेट कन्ने। सारे कोला पहले सारे की जय माता दी। मैं प्रवीण जी बड़ा धन्यवादी हाँ थोड़ा तुसें अज मिगी खास करिए इस पावन और पवित्र मौके उपर अपने स्टूडियो च बुलाया और ये मौका दिता मिगी। तुसें बिल्कुल सच के गलाया है नवरात्रे जिहड़े ने बड़े पावन और पवित्र हुंदे ने और साढ़े डोगरे च गै नहीं सारे पूरे समुचे विश्व दे विच माता रानी दी जिहड़ी जोत है वह घर घर जगदी है और माता रानी सारे पर अपनी कृपा भी करती है। तो इहदा वड्डा मुबारक की गल और की हो सकती है कि नराते जिहड़े शुरू हुई अज कोला शुरू हो गए ना है ना। बिल्कुल। तो जियां तुसें आख्या कि माता रानी की कोई भेंट मैं तुसें ही सुना तो मेरा बड़ा सौभाग्य है। तो आओ मैं तुसें एक डोगरी दे विच माता रानी की एक भेंट छोटी जी सुनाने का प्रयास करना। आओ इस भेंट का आनंद लैचै और माता रानी की चेता करचै। नरातें दे विच माता रानी दा दरबार जिहड़े भगत ने वह दूरा दूरा चली आउंदे ने और बड़ियां सारियां मनोकामना मन चली आउंदे ने और माता रानी मनोकामना पूरियां भी करदी है। इ'यां गै एक भगत बड़ी दूरा दा चली आउंदा बेचारा पहली बारी आउंदा ते जिल्लै कटड़ा शहर दे विच पुछदा है ते उपर दिखदा बड़ी उच्ची ते लम्मी चढ़ाई ते बेचारा घबराई जांदा है ते निम्मो झाण होइए बही जांदा। तो इन जे भगतें की दूई टोली आँदी है वह आखदी भगता के गल है भाई बड़ा दुआस होइए बैठे दा। वह आखदा भाई मैं आई तो गया बड़े चाएं कन्नै लेकिन इन्नी उच्ची तो लम्मी चढ़ाई मैं कियां चढ़ं इये गल मिगी बड़ी परेशान करा दी है। वह टोली क्या आखदी है आओ सुनचै। ओ जय माता दी बोल भगता हो जय माता दी बोल भगता ओ कने चढ़दा जा ओ कने चढ़दा जा उचड़ा टक हो जय माता दी बोल भगता हो जय माता दी बोल भगता नंगे नंगे पैरे माता अकबर आया नंगे नंगे पैरे माता अकबर
आया वो सुनने दाने छतर चढ़ाया, सुनने दाने छतर चढ़ाया, छतर चढ़ाया वो छतर चढ़ाया, ओयो दे मने आला, ओयो दे मने आला मिट गया शक हो, जय माता दी बोल भगता, जय माता दी बोल भगता। उच्चियां लम्मियां औखियां चढ़ाइयां, उच्चियां लम्मियां औखियां चढ़ाइयां, उच्चियां लम्मियां औखियां चढ़ाइयां, उच्चियां लम्मियां औखियां चढ़ाइयां, ओ चढ़दियां संगतां नहीं घबराइयां, चढ़दियां संगतां नहीं घबराइयां, नहीं घबराइयां, नहीं घबराइयां, ओ उंदे मने आला, ओ उंदे मने आला खुल गया चक हो, जय माता दी बोल भगता, जय माता दी बोल भगता। कर कर माता तेरी जोत जगदी, कर कर माता तेरी जोत जगदी, मेरे मनेंगी बड़ी शैल लगदी, मेरे मनेंगी बड़ी शैल लगदी, बड़ी शैल लगदी, बड़ी शैल लगदी, ओ दूर कर दी, ओ दूर कर दी कलेश चट पट हो, जय माता दी बोल भगता, जय माता दी बोल भगता। पछड़ेंगी मां शर्मिला दी, पगतेंगी मां शर्मिला दी, गोदी पाइए मन पतियां दी, गोदी पाइए मन पतियां दी, मन पतियां दी, मन पतियां दी, ओ कदे उंदी नहीं हो, ओ कदे उंदी नहीं हो पगते कोला बख हो, जय माता दी बोल भगता, जय माता दी बोल भगता, ओ कने चढ़दा जा, ओ कने चढ़दा जा ओ उचड़ा टक हो, जय माता दी बोल भगता, जय माता दी बोल भगता। जय माता दी। अस भी स्टूडियो च बेहिया जरूर बोल गए, माता दे दरबार च नहीं पुजे पर तुसें सानू पूरा दरबार दे दर्शन करवाए, सारे की जय माता दी। उच्चड़ा टक चढ़ी है दोस्तों, बड़ी सोहनी धुन ही साड़ी एक डोगरी गीत दी, लौका घड़ू चुक गोरी है, उस गीता की तर्ज के उपर तुसें ये पेंट बनाई और बड़ी प्यारी और मिठी उले जवान जिया उस गीता दे बोल ने पर तुसें ये बोल बनाए दे, बड़ी सोहनी मिगी लगता तुसें भी पसंद आवा करदी होनी
तुस घर बैठे भी जय माता दी बोली सकते हो। और एक रमेश जी मैं पता लग्या तुसें कोई यूट्यूब भी चैनल अपना खोले दा, तो तुस प्रयास करा करदे हो, उत्थे भी तुस कोई एक भेंट जिहड़ी है फिल्माई दी है, वो किहड़ी भेंट है और किहड़ा तुहाडा चैनल है, जे लोकें कुतै सुनना होवे तां उहनां तों कुत्थे जाण? जी बिल्कुल प्रवीण जी, जिल्लै भी कोई कलाकार कोई अपनी चीज़ बनांदा है, कोई गीत या कोई भेंट कोई भजन, उहदा इक्को लक्ष्य हुंदा कि वह भेंट जन जन तक पुज्जी जा, सारे उहदा लाभ ले सकन, है ना। तो मेरी भी एक सोच बनी, सारे मेरे जिहड़े स्टूडेंट वगैरह आखन लगे सर तुसें कदे कुछ बनाया ही नहीं है, तो तुस क्यों नहीं कोई चीज़ अपनी माता की भेंट या कोई ऐसा भजन बनांदे। तो फिर मैं एक अपने साढ़े सर ने यशपाल जशी, मैं उन्दे के विनती की कि सर कोई एक भेंट अपनी मिगी दियो, बड़े शैल लखारी न तुसें पता, उन्हें बड़ी शैल भेंट लिखी दी है, चल भगता द्वारे मेरी मां दे, पहाड़े च लुटी लै नज़ारे ठंडी शां दे, कटड़े दी दिखी लै नुहार पंछूंदी नहीं, अपनी पराई इत्थै कुसै दी बजूंदी नहीं, भाग बदलोए इस निक्के जे ग्रां दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे। ये पेट मेरा मन किया, इसी पेट की मैं रिकॉर्ड किया, पहले आडियो बनाया ना, फिर नी शूटिंग की कटरा माता के चरणों में जाइए, और अज ये पेट जन जन जी बड़ी प्रचलित होवा दी है। मेरा यूट्यूब चैनल है रमेश भट्टियाड़, उस नाम का तुम सर्च कर सकते हो, और ये पेट जी रिकॉर्डिंग जी प्रॉपर स्टूडियो नी हुई है, वह आनंद ले सकते हो। तो हूँ तुम चाहते हो कि मैं कुछ दो चार लाइन इस भेट दी? बिल्कुल, मेरे दर्शकों भी पता लगे भी उस भेट कि मिठास है। मां भला कर दी है भगता, अस द्वारे मां दे जाना है, मां दे चरने दे बिच बैठे जीवन सफल बनाना, चल भगता द्वारे मेरी मां दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे, पहाड़े च लुटी लै ओए पहाड़े च लुटी लै नजारे ठंडी छां दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे, कटड़े दी दिखी लै नुआर पन छोंदी नहीं, ओए कटड़े दी दिखी लै नुआर पन छोंदी नहीं, अपनी पराई इत्थे कुसै दी बजोंदी नहीं, अपनी पराई इत्थे कुसै दी बजोंदी नहीं, भाग बदलोए भाग बदलोए इस निक्के जे घरां दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे। ओए गुफाई च दिखी ले तू पिंडी महामाई दी, गुफाई च दिखी लै तू पिंडी महामाई दी, पेट चढ़ाई लै तू नेक कमाई दी, ओए खोली लिया पेत अज, खोली लिया पेत अज अपने मना दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे, चल भगता द्वारे मेरी मां दे। ते बाकी पूरी भेंट अगर सुननी है तो यूट्यूब चैनल च सर्च करो रमेश भट्टियाड़, तुसें भेंट जिहड़ी माता दी बिल्कुल सुनने मिल पूरी, आनंद लो, जय माता दी। बिल्कुल सचमुच अगर तुसें जाना द्वारे मां दे ते रस्ता इन्हें दसना अपनी इस भेंट दे राहें कियां गुफा दे विच द्वारे खुलदे न,
और किन्ना कटरा शहर जिहड़ा निक्का जिहा ग्रां हां ते अज उहदी सूरत बदली दी है वह कृपा है माता राणी की। और साढ़े डोगरे पर माता राणी का होर भी उपकार है, पूरा विश्व छड्डी है त्रिकूट च आई है बसी, तो यह तो मतलब डोगरे कन्ने मांगी भी साढ़े प्यार विशेष प्रेम है, बिल्कुल विशेष प्रेम है। अस बड़े पड़भागी हैं डोगरे, बिल्कुल बड़भागी, फख्र करना चाहिए असं डोगरी अपने आप पर कि साढ़े को देवी देवता जेडे ने वो आपू चली आए और साढ़े पर आशीर्वाद बने और रमेश जी उनकी कृपा करने गए साढ़े इतने भुख मरी नहीं है, बिल्कुल बड़ा समृद्ध है सारे अस, बिल्कुल सारे समृद्ध है। कोई अस न्यूज़पेपर पढ़ने जा कुछ चैनल च ये नहीं लभ्या कोई भुखा मरी आ, पर ज्यादा कोई पार्टी खाई है कोई मरी आ वो तो शायद वो खबर आई हो। माता राणी अन्नपूर्णा इतने बसदी है, बिल्कुल बिल्कुल उनकी कृपा है। और खास करिए मैं गल करूं जिले नवरात्रे की गल होंगी तो साढ़े ग्रहें च रामलीला, शहरें च रामलीला, नगरें च रामलीला, और पहले हर बल्ले जगह च रामलीला होंगी और तुसें राम का रोल कीते दा काफ़ी 20-25 बरे तुस रामलीला कन्ने जुड़े दे रहे और अज मौका है क्यों नहीं अस उस रामलीला दे कुछ प्रसंग जड़े न कोई ऐसे गीत जियां तनुषवान जिले तोड़िया हा ते उल्लै बड़ी गर्जना भी हुई और बड़ा मुश्किल भी होया हा, उस तनुषवान दे उपर आधारित अगर कोई सोहना जिहा भजन साढ़े दर्शकें लई तुस सुनागे उत्ते मेरे ख्याल च अज चार चन्न होंगे। जी प्रवीण जी, जियां तुसें गल कीती कि नवरात्रे दे विच खास करिए साढ़े ग्राएं पिंडें दे विच के शहरें च भी रामलीला दा मंचन जिहड़ा ओह हुंदा आया सदियों कोला हुंदा आया और अस भी कर रहे हूँ, थोड़े हालात तुसें पता बदलिए हुण तौर कन्नै नहीं रहे ते हुण रामलीला किश सालें कोला असें बंद कीती, 2-4 साल होई है, लेकिन बड़े साल कीती असें, मैं कोई 86 च मैं शुरू कीती ही, पहले श्रवण जी का रोल किया, फिर माता कौशल्या जी का किया, ईवन कि एक बार सीता जी का रोल भी किया मैं जी। और फिर मैं श्री राम जी का रोल करने का मिगी प्रभु ने मौका दिता और अस जी रामायण करते हैं वो श्री यशवंत सिंह जी हुंदी रामायण है, आर्य संगीत रामायण, उहदा मंचन अस करने हैं क्योंकि वो एक सरल भाषा उन्हें लिखी दी है और सरल भाषा जी साड़ी आम माता भैन जो ग्रह बेचारियां होंदिया ने उनकी समझ बड़े तौले आ जाती है, बिल्कुल उदा एक प्रसंग है जिसलै जे तुसें आखा धनुष भंग दा कोई ऐसा दृश्य कोई ऐसी कोई संवाद सुनाओ, ते एक प्रवीण जी जिसलै महाराज जनक बड़े उदास हो जांदे ने कि बड़े बड़े योद्धा आए हुंदे ने अपना पूरा जोर लांदे ने लेकिन धनुष की चुकना दे दूर तिल मात्र लाई नहीं सकदे, बिल्कुल, ते महाराज जनक बड़े उदास होइए बड़े परेशान होइए, ईवन के इत्थुं राखी अठे के अफसोस ये धरती बहादुरों से खाली हो गई है, अगर मुझे पहले पता होता तो मैं जग हंसाई ना कराता, अब लगता है मेरी पुत्री कुंवारी ही रह जाएगी, बिल्कुल। वो बड़े बेचारे उदास परेशान हुई है, उनकी इस गल की सुनिए लक्ष्मण जी जड़े है वो बड़े क्रोधित हुए ते प्रभु श्री राम जी उनका स्वभाव है मर्यादा पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम आनंद दे सागर भगवान के आदर है लक्ष्मण जी, लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई तुक लक्ष्मण करो समाई, के लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई तुक लक्ष्मण करो समाई, बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, बेमौका तेजी करना और बिना बात ही लड़ना, नहीं इसमें कोई बड़ाई तुक लक्ष्मण करो समाई, कि लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई तुक लक्ष्मण करो समाई, जिस बात को मुँह से बोलो पहले मुंह में ही उसको तोलो, जिस बात को मुंह से बोलो पहले मुंह में ही उसको तोलो, है इसमें ही दानाई तुक लक्ष्मण करो समाई, के लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई तुक लक्ष्मण करो समाई, तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण नहीं जनक हमारे दुश्मन, तुम कुछ तो सोचो लक्ष्मण नहीं जनक हमारे दुश्मन, ये
फिर काहे करो लड़ाई, रुक लक्ष्मण करो समाई, कि लड़ना अच्छा नहीं मेरे भाई, रुक लक्ष्मण करो समाई। प्रभु इं लक्ष्मण जी समझाते हैं, फिर विश्वामित्र जी क्या आखते हैं प्रभु की, राम उठो मत देर करो, ये धनवा तुम ही तोड़ोगे, भरे हुए सवंबर में सीता से नाता जोड़ोगे। हे रघु कुलभूषण उठो, उन किस गला का इंतजार है, सारे अपना अपना जोर लाई चुके, उन आखरी तुंदा वार है। प्रभु श्री राम क्या आखदे, हुकम गुरु जी आपका, सिर माथे मन गुरु जी, सिर माथे मंजूर, अब तक तो मैं चुप रहा था, मैं भी मजबूर, आशीर्वाद है आपका, अगर राम के साथ गुरु जी, अगर राम के साथ, मुश्किल तो ये कुछ भी नहीं है, मामूली बात, लेकर आश्रय आपका चला मैं करने का, गुरु जी चला मैं करने का, है ईश्वर मेरी लाज रखियो, इस भरी सभा में आज। प्रभु कितनी विनम्रता है, जानते हुए भी, सर्वज्ञ होते हुए भी, सर्व ज्ञाता होते हुए भी चुप बैठे थे, है ना, इंतजार किया सही समय का, समय आया, गुरु महाराज पर राम किया, एक हथा ने धनुष फड़िया, एक क्षण बिजली की चमक अंदर लगा, इन्ना समय लगा, खंड खंड कर उड़िया, बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बिल्कुल सच गला करते हैं दर्शको, उस शिव धनुष जिसकी पूजा स्वयं माता सीता कर दिया हाँ, और उस धनुष की अगर प्रतिचिंडा चढ़ानी ही तो भगवान राम तक कोई और चढ़ाई नहीं सकता। ये विधि के लेख पहले लिखोए दे, पर स्वयंवर दे विच राजा जनक दा दुखी होने का कारण जिहड़ा है वह स्वाभाविक है, एक पिता जिहड़ा है बच्ची लई किन्ना भावुक हो सकता, बड़ा कुछ मन करता भाई अस होर भी बड़िया जिले, खास करिए भगवान राम की विनवास होया मला कोल जांदे ने, किश्ती पार करदे ने सरयू दी, कुछ जिले दे वापस परत आउंदा घर दिखदा भगवान राम नहीं है, भराएं विच किन्ना प्यार है, बिल्कुल बिल्कुल, वो फिर मिलने ही जांदा, भरत मिलाप होंदा, जिसले वापस बुलाने की कोशिश करदा वो नहीं आउंदे, जिहड़े मर्यादा दे कोल करा रहे कन्ने बज्जे दे मर्यादा परशोत्तम वापस नहीं आउंदे, आखदे मैं जिहड़ा मेरे पिता जी कन्ने मेरा कॉल करार होता, मैं उसके वास्ते बच्चे दा अपने धर्म का पालन करा, धर्म का पालन करा, और खड़ाऊ लिए राज किया, उस परत मिलन दा पर कोई अगर सोना जिहा भजन कोई याद है तो जां कोई उस प्रसंग दा
प्रवीण जी, रामायण दे ऐसे प्रसंग ने जिन्हें की सोचिए गया खबरों चीजें ने, और प्रभु ने ऐसी मर्यादा स्थापित की दी है। रामायण के सानू दस दिए कि भरा दा भरा कन्ने किन्या रिश्ता होना चाहिए, बिल्कुल एक पुत्र दा पिता कन्ने कैसा संबंध होना चाहिए, एक पत्नी दा पति कन्ने कैसा संबंध होना चाहिए, एक भगत दा भगवान कन्ने कैसा संबंध होना चाहिए। ऐसी मर्यादा अगर रामायण यस फॉलो कर चाहे तो मैं आखा कि दुनिया एक स्वर्ग बनी है, बिल्कुल। लेकिन बड़ा अफसोस होता है लोग जेड़े ने अज्ञानी कुछ ऐसे ने जेड़े जिनकी बिल्कुल ये चीज़ें उनके कन्ना तक यूं तक नहीं रेंगती है, लेकिन किस लोग है भी हैं जेड़े मनते हैं तो तुसे आख्या कि कोई ऐसा भजन उस वेले का, तो मैं एक भजन एक छोटा जहा मैं भी मैं आपको लिखे दा जिसलै भरत जी जंदे ने और प्रभु की आदे प्रभु राजपाठ तुआड़ा है तुस आओ सांभो मैं तो तुआड़ा सेवक हाँ। प्रभु श्री राम आदे परत पिता श्री का बचन झूठा जो होइया ते साढ़े दोने भराएं का लोग साढ़े बारे च की सोचन, बिल्कुल कि एक चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र होइए अज उनके बचन का ने मान नहीं रखिया और इस कारण तू अपना धर्म नवा मैं अपना धर्म नवा ला ते प्रभु की आदर है जी की प्रभु श्री राम क्या आखदे प्यारे भरत अब मान ले कहना वन में मुझे तुझे अयोध्या में रहना प्यारे भरत अब मान ले कहना वचन पिता का पूरा मिलकर है दोनों को करना वो वचन पिता का पूरा मिलकर है दोनों को कर बाद में दुनिया वाले ताने देंगे वरना ओ बाद में दुनिया वाले ताने दे अपना अपना धर्म निभाना प्यारे भरत अब मान ले कहना रीत रघुकुल की सदियों से चलती है आई ओ रीत रघुकुल की सदियों से चलती है आई प्राण जाए मेरे भैया वचन
कभी नहीं जाए, प्राण जाए मेरे भैया, वचन कभी नहीं जाए, भावना नहीं बहना, प्यारे भरत अब मान ले कहना, हर वन में मुझे तुझे अयोध्या में रहना, प्यारे भरत अब मान ले कहना, मान ले कहना, मान ले कहना। बहुत सोना और सुंदर खास खास करिए इहदे विच ਭਰਾਏ ਦੇ ਪਿਆਰ ਗੀ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਣ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਮਾਇਣ ਗੀ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਕੰਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਸਾਡੇ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ, ਆਖਦੇ ਬਈ ਵਾਲਮੀਕੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਉੱਡੇ ਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਵਤਾਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਦਾ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਰ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਣੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਸਿਆਸਤ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਣੀ ਉਹ ਸਿਖਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਿਖਾਈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਰਿਆਦਾ ਪੁਰਸ਼ੋਤਮ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ 'ਚ ਲੱਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸ ਪਾਲਣ ਕਰਚਾ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸਵਰਗ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਐਸੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲਣ ਕਿ ਲੱਗੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਖਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੱਥੇ ਮਜਬੂਰ, ਪਰ ਤੁੰਦਕ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗਏ ਸੰਪਨ ਕਰਨਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੂਏ ਨਰਾਤੇ 'ਚ ਪਰਤੀ ਹੈ ਇੰਦੂ ਕੁਲਾਸ ਚੰਦ ਪੇਟਾਂ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਦੇ ਕਿਸ਼ ਗੀਤ ਇੰਦੂ ਕੁਲੋਂ ਗਵਾਈਏ, ਭੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨੇ ਰੂਬਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਅੰਕ 'ਚ ਇੰਨਾ ਗਾ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ।